लेकिन स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट बी करेंगे जिसमें वो कह रहा है कि अगर आपकी अर्निंग 10% रह जाती है तो बताएं फिर आपकी जो है न्यू रेशियो वो कितनी होगी। ठीक है, एक चीज़ तो हम क्या करेंगे इसमें, आपके बाद जब हमारी याद रहे कि अर्निंग अगर हमारी 10% रह जाती है तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली हमारे पास अर्निंग में अर्निंग रेशियो 10% है। पहले अर्निंग रेशियो कितनी थी आपकी इसमें, 24%, अब कितनी रह गई है, 10% रह गई है। 24 एंड 10 माइनस किया तो 14% कम हुआ। अब 14% कमी की वजह से हमारी तीन चीज़ें इफेक्ट होंगी, एक तो अर्निंग, दूसरा डिविडेंड और तीसरा इसमें ग्रोथ रेट। हम तीनों को क्या करते हैं कि सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं, अर्निंग, डिविडेंड एंड ग्रोथ रेट। अर्निंग, डिविडेंड एंड ग्रोथ रेट 14% के साथ कमी आई है ना, मतलब कि अगर मैं ये बात करूं यहाँ पे कि 14% के साथ क्या हुआ, कमी आ गई, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, कैलकुलेशंस कर लूंगा रफली कि अगर मैं 14% के साथ इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर मेरे आंसर्स कितने आते हैं, क्योंकि ओवरऑल जो कमी आ रही है वो इसमें 14% के साथ आ रही है। राइट, स्टूडेंट 24 में से 10% आप माइनस करें तो पीछे कितना रह जाता है, 14% रह जाता है। यहां पे हम लिखेंगे, मैं वर्किंग करके दिखाता हूं आपको इसमें, डॉलर 200 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 14 0.14, आंसर आपका इसमें आ जाता है 28 मिलियन डॉलर्स। कितना आ गया जी, 28 मिलियन डॉलर्स। पहले आपके पास डॉलर कितने आए थे जी, 48 मिलियन डॉलर्स आए थे। अब आपके पास डॉलर कितने आ गए जी, 28 मिलियन डॉलर्स रह गए हैं। ठीक है, 48 में से 28 माइनस करें तो फिर कितना आता है, 48 मिलियन डॉलर्स मल्टीप्लाई बाय 28 मिलियन डॉलर्स, योर आंसर इज 20 मिलियन डॉलर्स। अब आपकी कमी इसमें कितनी आ रही है, डॉलर 20 मिलियन के साथ आ रही है। अब हमने ये देखना है कि डिविडेंड में कमी कितनी आई है, डिविडेंड में कमी कितनी आई है जी, डॉलर 20 मिलियन × 1 − 0.50। तो कमी आई है जी यहाँ पे डॉलर 10 मिलियन के साथ। ठीक है, एंड द लास्ट वन, अब हमने इसमें ये देखना है कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी है जी। ग्रोथ रेट का वही फार्मूला है, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय किलो बैक रेशियो। रिटर्न ऑन इक्विटी अब 10% है, किलो बैक रेशियो उसी तरह 50% है, इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100, योर आंसर इज 5%। अब आपने मार्केट वैल्यू फाइंड कर लेनी है, जो जिस वैल्यू के साथ आपकी कमी हुई है। मार्केट वैल्यू आप फाइंड करेंगे जी, सबसे ऊपर आपने डिविडेंड रखा है तो डिविडेंड आपका रह गया था 10 मिलियन डॉलर्स के साथ, ओवर के ई 15% है, माइनस ग्रोथ कितना है 0.05, तो आपका आ जाता है पीछे 10 मिलियन 10 डिवाइडेड बाय 0.10, 100 मिलियन, योर आंसर इज 100 मिलियन। अब ये आपके पास क्या निकल आई है जी, आपके पास मार्केट वैल्यू निकल आई है। अब आपने क्या करना है कि फाइंड करनी है रेशो। रेशो कैसी फाइंड करनी है आपने, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी निकली आपके पास, 100 मिलियन डॉलर्स है, डॉलर 100 मिलियन के साथ, और बुक वैल्यू कितने के साथ मौजूद है आपकी, डॉलर 200 मिलियन के साथ। योर आंसर इज 1/2 रेशो। ठीक है जी, ये पार्ट बी के अंदर हमारी ये रेशियो कैलकुलेट हो गई है। अगले क्वेश्चन देखेंगे जी अगली वीडियो में इंशाल्लाह।